एक में ही लगाऊंगी ना। चल आंख खोल तेरी, ये वाली आंख। तुझे लगता है नीचे तू आंख बंद करता ना तो चुपता है तुझे? मेरी आंख ऊपर, मैं इसे पकड़ू यहाँ पे। लो ब्लॉग तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। अभी का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम, कितने सुबह नहीं है अभी दोपहर के दो बजे। खाना मेरा बन गया है। खाने में मैंने बनाया है ग्वार की सब्जी, दाल वाले चावल और आटा लगा दिया है। बस अभी बना रही हूँ मैं रोटी। और गर्मी इतनी गर्मी है कि कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा। आज मैंने पापा की टी-शर्ट पहनी, ये देखो, ये इसके पापा की टी-शर्ट पहन के बैठे हैं। नक्शु को अभी इसके पापा की टी-शर्ट आ जाती है, देखो। और नक्शु देख रहे हैं, कर रहे हैं अपना टाइम पास टीवी देखते हुए। और हमारे घर में देखो अभी दोपहर है, लेकिन लग रहा है कि शाम हो गई है। ऐसे पर्दे वर्दे नक्श लगा के ऐसे देखो, सब पर्दे बंद, दरवाजा बंद, और ये अंदर का व्यू कैसा मस्त हो गया है। देखो ऐसे लग रहा है होटल में बैठे हैं। अभी बजे दोपहर के दो, और सच में क्या ही कहूँ मैं, गर्मी इतनी हो गई है ना, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। अहमदाबाद में तो टेम्परेचर दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लिटरली 11 सामान लेना था, तो मैं भी सुबह 11 बजे नीचे गई, तो 11 बजे ऐसा लग रहा था कि जैसे दोपहर के 3 बजे हैं इतनी। और तीन चार दिन तो पेपर में भी आया है, न्यूज़पेपर में भी आया है कि 3-4 दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहने वाली है। तो अगर आप लोगों को कोई इमरजेंसी, अगर कोई काम ना हो ना, तो बाहर मत निकलिए, घर में ही रहिए, वरना निकलना है तो शाम को 6 बजे के बाद। इतनी गर्मी हो गई है यहाँ अहमदाबाद में तो बहुत हो गई। आ गए संदीप, बैठ गए खाना खाने, और नक्श के आँख में पता नहीं क्या चला गया है, तो उसे आँख में चुभ रहा है, आँख के अंदर पता नहीं कड़ी चला गई क्या चला गया है। तो नक्शे ना ऐसे आँख नहीं अपनी झुका रहा है, ऐसे आँख बंद कर रहा है तो उसको आँख में लग रहा है निकल जाए कुछ, ऐसे एकदम छोटी सी कणी चली गई होगी ना, वैसे ऐसा ही चुपती है, वो अपने आप ही निकलती है। आँख झपकाओगे ना वो अपने आप ही निकलती है, उसको कुछ नहीं होता, अपने निकल जाएगी। पूरी टी शर्ट इतना पानी मार मार के तो वो कर दी तूने। अभी पहले खाना खा ले, खाना रेडी है, वो निकल जाएगा नक्शु, निकल जाएगा। एक 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 साइड नक्श को आंख में लगाए और एक साइड नक्श को आम भी खाने। क्या मिट्टी गिरी होगी? हाँ वो झूला है ना हमारा, ऊपर से देखो ये दीवार ऊपर से थोड़ी टूट गई है, तो वहां से थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिर रही है। तो तू यहाँ झूले पे बैठता क्यों? तुझे मैंने मना किया है तो मैं इतनी बार ये झूला निकाल के रख देती हूँ, फिर से लगा देता है। बार बार आम लगा रहा है, काकड़ी लगा रहा है, फिर वही खा रहा है। आंख पे लगा के फिर खा रहा है, ऐसा कौन करता है नक्शु? मेरा नक्शी करता है। थोड़ी देर के बाद नक्शु फिर से आंख में पानी के छींटे मारना, फिर निकल जाएगा। अभी खाना खा ले चल। मैं छाछ लेके आई, बटर मिल्क लेके आई, कहाँ है? वहाँ है ना, हाँ चलिए खाना खा ले। और बड़ा स्यापा हो गया है नक्श के आंख में, अभी वो ऐसे कणी घुस गई है, पता नहीं क्या घुस गया है उसके, ऐसे आंख झुका रहा है ना नक्शु, तो उसको ऐसे अंदर चुभ रहा है कुछ, ऐसा होता है कभी कभी। मेरी आंख पे भी एक बार चला गया था, कुछ मिट्टी जैसा होता है, मतलब मिट्टी होती है मेरे ख्याल से, तो नक्शु मिट्टी होती है, मिट्टी चली जाती है ना, फिर वो दिखाई नहीं देती, एकदम छीनी होती है फिर आंख में ना अपने से, जैसे आंख झिपकाओ ना तो वैसे आंख में लगता है कि कुछ चुभ रहा है, और ना झिपकाए तो नहीं लगेगा, कुछ चुभ रहा है। हाँ नहीं झिपकाएगा तो नहीं लगेगा। अब मैंने कुछ सीखा है कि ऐसे ये निकल जाता है, तो मैंने लिया है ये पानी और ये कॉटन, वैसे ट्राई करती हूँ। मेरी मम्मी ऐसा करती थी हम छोटे थे, तो मैं तेरी हाँ निकल जाता है ये कॉटन होता है ना, कॉटन में इसमें ऐसे ऐसे थोड़ा सा गीला करो, फिर इसे आंख में ऐसे घुमाओ ना, तो जो मिट्टी होती है ना वो निकल जाती है, चिपक जाती है। हाँ चिपक जाती है। अभी तुझे क्या करना है नक्शु, आ गया थोड़ा, तुझे आँख अपनी सीधी रखनी है, तो तू मुझे दिखाएगा नहीं ना करना, मैं करती हूँ अभी, तुझे आँख को ऐसे बस मत कर, मैं आपको डाल रहा हूँ, मैं आपको कुछ
ऐसे आँख नीचे खोल और ऐसे आँख में ऐसे घुमा है पूरे नीचे से, जहाँ तुझे से लग रहा है ना चुभ रहा है अंदर, तो डाल थोड़ा सा तो निकलेगा कैसे। हाँ जहाँ तुझे लग रहा है ना कि चुभ रहा है मुझे। रुको भाई रुको। ये मोबाइल में देख के करा है। मोबाइल में नक्शु मोबाइल में देख के करा ऐसे। अब हाँ ऐसे ऐसे नीचे से ऐसे घुमा, कुछ नहीं होगा। इसी जगह पे, इसी जगह पे। तो वहीं पे ऐसे कर, दो तीन बार ऐसे करेगा ना नक्शु तो निकल जाएगा। और कॉटन होती है ना, कॉटन आँख में लगेगी नहीं। दो तीन बार ऐसे नीचे से ऐसे ऐसे घुमा तो होगा ना, कुछ भी तो उसमें चिपक जाएगा। और ऐसे ऊपर भी लगा, तुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं कभी कभी कैसा होता है, होता ऊपर है तुझे लगता है नीचे, तू आँख बंद करता है ना तो चुपता है तुझे। मेरी आँख ऊपर, मैं ऐसे पकड़ू यहाँ पे ले ऊपर यहाँ पे अंदर। हाँ ऐसे थोड़ी ना जाएगा, नीचे जाएगा ना ऊपर, तो ये ऐसा हो रहा है बराबर। हाँ। नीचे ही है, नीचे यहाँ पे या तो ना यहाँ ऐसे कर, सुरमा पहन दे ना ऐसे ऐसे तो निकल जाएगा। ले थोड़ा थोड़ा रफली करेगा ना कोई निकलेगा नक्शू, ऐसे अंदर से घुमा। हमारी मम्मी ऐसा करती थी हम छोटे थे, कॉटन लेके ऐसे कॉटन से यूं अंदर आँख में घुमाओ ना तो जो भी कचरा होता है ना उसमें कॉटन में चिपक जाता है तो निकल जाता है। हाँ ऐसे करके ऐसे 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 जैसे एकदम से अंदर से घुमाएगा ना नक्शु तो कॉटन उसमें चिपक जाता है, पता है तुझे। ये मुझे दिखा, मुझे ये नहीं बताया कि यहाँ पे अभी अभी आँख बंद कर, लग रहा है अभी भी लग रहा है। यहाँ पे होता है फिर यहाँ पे, ये बीच में मुझे भी ऐसा हुआ था बार बार आँख से मेरी ऐसे झपका हो ना तो ऐसे चुभ रहा है। तो तू सो जा, सुन मेरी बात, मेरे पास आँख के ड्रॉप पड़े ना वो निकाल डाल दूंगी ना, फिर तू आँखें बंद कर तो ऐसे पानी में से साइड में से भी निकल जाएगा। ऐसा भी होता है, होता है। मेरे पास आई ड्रॉप भी पड़े। हाँ उसे निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा पक्का। पक्का तो अभी तू लगा के देखते है ना, ट्राई करने में क्या है, निकाल ले तुझे ऐसे चुप चुप कर रहा है तो मेरे पास आई ड्रॉप पड़े। हाँ दोनों में क्यों डालेगा, जिसमें है उसमें डालेंगे ना। तो फिर ऐसे कैसे करूंगा मैं, क्या कैसे करेगा, ऐसे थोड़ी ना करूंगा मैं। अरे उससे दो सेकंड के लिए आंख बंद करनी है तुझे, इसको कुछ करना नहीं होता एक तो नक्श को, खाली परेशान करना होता है सब। हाँ तो चल लेट सो जा, ला ये दे दे मुझे कॉटन, मैं अभी इसका आँख में आई ड्रॉप डाल देती हूँ। दो ड्रॉप डाल दूंगी ना तो फिर अगर ऐसा होगा तो पानी से ही साइड में से निकल जाएगा। एक में है तो एक में ही लगाऊंगी ना। चल आंख खोल तेरी, ये वाली आंख रुक। तो खाना खाने के बाद आए हैं यहाँ पे गोला खाने, गोला खाने। उस दिन भी गोला खाया था, आज भी गोला खा रहे। और गाइस चेयर तो देखो ऐसे लगी है, पिक्चर देखने आए और यहाँ पे गोले वाले के यहाँ पे आए हैं गोला खाने, तो इसके यहाँ पे चेयर देखो कितनी सारी लगी हुई है, मतलब कि डेली यहाँ पे इतनी पब्लिक आती होगी, इतनी सारी चेयर लगी हुई है और चेयर एक ही एंगल में लगी हुई है, जैसे कि यहाँ पे कोई मूवी देखने वाले हैं। ऐसे बैक टू बैक लाइन से लगी हुई है चेयर, और वो सामने गोले वाले का टेंट है और यहाँ पे सब मसाले वाले हैं, है ना, वहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। ये मसाले का टेंट है और यहाँ पे भी मसाले का टेंट है और यहाँ पे गोले वाले का टेंट है। सीजन का सेकंड टाइम गोला खाने आए हैं हम लोग, लास्ट संडे खाया था, आज भी संडे ही है। आज भी संडे है। तुझे कौन सा कलर खाना है? हाँ तो यहाँ पे नहीं, ये इतने सारे कलर थोड़ी डालेंगे, देख कितने सारे कलर है गोले के, कलर देखो कितने सारे, इतने सारे नहीं नक्शु, चार पांच कलर डालेंगे। पापा लेने गए मेन्यू, ये पूरे 10, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इतने कलर नहीं डालेंगे। मुझे ऑरेंज कलर संदीप, स्टिक वाला। हाँ स्टिक वाला ही, वही सही लगता है खाने में, वही मजा आता है।
हाँ हाँ ऐसा ही बनेगा।